हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्नवे चैनल पर, जिसमें आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 1 को यहां पर कवर करेंगे, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और काफी इजी प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि लेवल लो है इसका। धीरे धीरे करके इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा और ये पार्ट 1 है प्रैक्टिस सेट सीरीज का। और इसी तरीके से जितने भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज आएगी वहां पर ये वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। और फिजिक्स के कुछ ही चैप्टर रह गए हैं, वो भी आपके जल्दी से कवर कर लिए जाएंगे। तो आप लोग लर्नवे चैनल पर बने रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। आपका हर एक कमेंट और एक एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोगों को इन क्वेश्चंस के जवाब लाइव चैट में कमेंट करके बताने हैं, और आप लोगों को एंड में ये भी बताना है कमेंट करके कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा, और आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और जो व्यूअर्स इसको बाद में देखें, यानी लाइव के बाद देखें, तो वो लोग अपना स्कोर शेयर करें खाली। आपको हर क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन आर, यानी कि दूर संचार में प्रयोग में लाई जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट रेस, बी है विजिबल रेस, सी है इंफ्रारेड रेस, एंड डी है माइक्रोवेव। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। माइक्रोवेव ऐसी वेव है जिसे टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कराया था, तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी जूल पर केल्विन पर मोल आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है, जैसे कि आपको वहां पर बताया था। और जल्दी से लाइव चैट में आर की वैल्यू लिख दीजिए कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो जिन लोगों ने लिख दी अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग लिख लीजिए 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मोमेंटम ऑफ अ डॉग ऑफ अ 60 किलोग्राम वेट रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी 60 किलोग्राम वजन का एक कुत्ता 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो उसका संवेग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी है 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी है 470 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड डी है 550 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है, पी यानी कि मोमेंटम यानी संवेग आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका दे रखा है 60 किलोग्राम और वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो सिंपल साइन के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, बी है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, सी है नाभिकीय संक्रमण यानी न्यूक्लियर ट्रांजिशन, एंड डी है रेडियो उत्सर्जन यानी रेडियो इमिशन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर न्यूक्लियर फिजन आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ फोर्स ऑफ एफ एक्शन ऑन अ मास एम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए, देन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी का सही होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है एम इक्वल्स टू ए एफ, बी है एफ इक्वल्स टू ए बाई एम, सी है एफ इक्वल्स टू एम ए, एंड डी है नन ऑफ दीज। यानी न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है एफ इक्वल्स टू एम ए, उन सभी का आंसर राइट है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन एन एरोप्लेन इज मेकिंग अ लूप पायलट डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज हिज वेट प्रोवाइड्स द नेसेसरी। यानी जब एक वायुयान लूप बना रहा होता है तो गिरता नहीं है, क्योंकि उसका वजन आवश्यक प्रदान करता है। यानी जो उसका वजन होता है वह क्या प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स, बी है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड डी है गुरुत्व के विपरीत बल यानी फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी
अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो कि सेंटर की ओर लगती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी केंद्र की ओर जो बल लगता है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अ नेट फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 70 किलोग्राम व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो ये फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी का राइट आना चाहिए। 70 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 350 न्यूटन का शुद्ध बल कार्य करता है जो कि प्रारंभ स्थिर अवस्था में है, इसका त्वरण होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है और आपको फोर्स दे रखी है 350 न्यूटन और मास आपके पास है 70 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन आप लोग निकाल सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 7 5 35 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीई। ऑप्शन नंबर ए है अदर थर्मल एनर्जी, बी है ओशियन टाइडल एनर्जी, सी है ओशियन थर्मल एनर्जी एंड डी है ओशियन टाइडल इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी ओशियन थर्मल एनर्जी आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ओटीई का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जीनर डायोड इज यूज्ड एज अ, यानी जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक प्रवर्तक के रूप में यानी एन एम्पलीफायर के रूप में, बी है एक दृष्टिकारी के रूप में यानी रेक्टिफायर के रूप में, सी है एक दोलनकारी के रूप में यानी ऑक्सीलेटर के रूप में एंड डी है एक विभव नियंत्रक के रूप में, ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी ए वोल्टेज रेगुलेटर को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, यानी मास एनर्जी रिलेशन होता है वह किसका आउटकम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वांटम थ्योरी का, बी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सी है फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी एंड डी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जो मास एनर्जी रिलेशन होता है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है आपको इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन मास इक्वेशन थ्योरी होती है, उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है और मास को एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो एनर्जी और मास होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है गतिमान वस्तु के दाब पर यानी द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी, बी है द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, सी है द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी एंड डी है बोथ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है यानी गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए है फोर्स यानी बल, बी है वेग यानी वेलोसिटी, सी है समय यानी टाइम एंड डी है आयतन यानी वॉल्यूम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफी सिंपल है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके काफी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी टाइम है उन सभी का आंसर राइट है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है जैसा कि आप सभी को पता है, और फोर्स वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ये आपकी डिराइव्ड यूनिट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशन चैप्टर जिन लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन उनसे तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑन द इक्वेटर यानी विषुवत पर, बी है पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, सी है पृथ्वी के केंद्र पर यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड डी है पृथ्वी के तल पर यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर मैक्सिमम होगा।
तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने वहां पर भी आपको कराया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहां पर होना है और मिनिमम कहां पर होगा, वहां पर आपको बताया था। जैसा कि आप सभी को पता है W बराबर mg होता है, यानी कि मास तो कभी चेंज होना नहीं है, चेंज होगी तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g चेंज होने वाली है। और आपको पता ही है g कहां पर सबसे ज्यादा होती है, पोल पर, इक्वेटर पर कम होती है, जैसे कि आपको वहां पर लर्निंग फेज बताया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर अभी देखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल इज अ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, 300 नहीं है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, यानी कि एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, गेंद की उड़ान का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 4.5 सेकंड, बी है 1.5 सेकंड, सी है 2.1 सेकंड एंड डी है 3 सेकंड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला लेक्चर भी नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.5 सेकंड आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी। म्यू आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 से 2 कैंसिल और जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब आप इसे 10 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 1.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 50 टर्न कॉइल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 वेबर पर सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ द एंड्स ऑफ द कॉइल। ऑप्शन नंबर ए है 2.5 वोल्ट, बी है 3 वोल्ट, सी है 5 वोल्ट एंड डी है 7 वोल्ट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.5 वोल्ट आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। अब किस तरीके से, जैसा कि आप सभी को पता है E इक्वल्स टू माइनस एंड डी फाइव ओवर डी टी होता है, जिसे अभी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर N आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल के, अगर ये 1 होता है तो सिंपल माइनस डी फाइव ओवर डी टी हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई करना होता है। E आपका EMF होता है जिसकी यूनिट वोल्ट होगी, और डी फाइव ओवर डी टी क्या होता है चेंज इन फ्लक्स, जो कि आपको दे रखा है 0.05 वेबर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा 0.05 रखना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि आपके 50, तो एक जीरो से एक पॉइंट कैंसिल, 0.5 इंटू 5 कितना हो गया 2.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द थ्री कैपेसिटर हूज कैपेसिटेंस आर 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, यानी कि इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, श्रृंखला क्रम में जोड़े गए हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ऑप्शन नंबर ए 1/3 माइक्रोफेराड, बी है 1/5 माइक्रोफेराड, सी है 2/5 माइक्रोफेराड एंड डी है 3/5 माइक्रोफेराड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, टेक योर टाइम, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आप लोग लिख भी दीजिएगा लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दिस, जिससे कि आपका आंसर अगर बाद में आए तो वो चेक हो जाए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी 3/5 माइक्रोफेराड आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट में चलते हैं, यानी जो फॉर्मूले की बात हो रही है, तो 1/C इक्वल्स टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा, अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 6 प्लस 2 से ये 3 टाइम यानी 3 प्लस 1, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/6, और इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/10, तो ये कितना होगा 3/5 माइक्रोफेराड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ वेटलेस रबर बैलून हैज 100 ग्राम ऑफ वाटर इन इट, इट्स वेट इन अ वाटर विल बी, यानी एक बैलून है जिसका कोई भी वेट नहीं है और उसके अंदर 100 ग्राम पानी भरा जाता है और फिर उसे वाटर में डाला जाता है, तो इसका जो वेट होगा वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 50 ग्राम, बी है 100 ग्राम, सी है 200 ग्राम एंड डी है 0 यानी 0। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर 100 ग्राम आ रहा है उन सभी का आंसर रॉन्ग है।
100 ग्राम नहीं होगा वाटर में डालने पर। जैसा कि आप सभी को पता है वेट बराबर mg होता है, लेकिन जब इसे किसी मीडियम में डाला जाता है यानी वाटर में डाला जाएगा तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी भी काउंट की जाएगी इसके फॉर्मूले में। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका अब हो जाएगा w बराबर mg इंटू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। रो नॉट आपकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, और रो होगी आपकी डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड दैट वी फिल इन अ बैलून। ठीक है, जो भी बैलून में फिल किया गया लिक्विड है उसकी डेंसिटी। तो जैसा कि आप सभी को पता है वाटर की डेंसिटी दोनों में सेम है, जिस मीडियम में डाला जा रहा है वह मीडियम भी वाटर है। तो ये क्या हो जाएगा, रो नॉट हो जाएगा, और वाटर की डेंसिटी में से इसको माइनस करना होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, रिलेशन जीरो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जीरो होगा। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट, यानी ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है, बी है लो वोल्टेज डीसी इंटू हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है, सी है लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, एंड डी है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी, उन सभी का आंसर राइट है। ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, और हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये एसी क्वांटिटी को ही कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फोटोग्राफी ऑफ द सन, यानी कि सन की फोटोग्राफी के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गैल्वेनोमीटर, बी है पोटेंशियोमीटर, सी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही काफी दूर दूर है, तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है जब भी सन की फोटोग्राफी करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट इज। अब यहाँ पर आपसे एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए, आई बटन में लिंक है, या आप लोग प्लेलिस्ट में से भी सर्च कर सकते हो, थर्मोडायनामिक्स करके चैप्टर है, तो वहां पर जाइए अगर आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स में कोई डाउट है। ऑप्शन नंबर ए है 23.8%, बी है 26.8%, सी है 28.8%, एंड डी है 27.5%। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसा कि आप सभी को पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला कई होते हैं, तो जो कार्नोट इंजन होता है उसमें एफिशिएंसी होती है आपकी W अपॉन क्यू, यानी कि वर्क डन बाय द इंजन अपॉन हीट प्रोवाइडेड इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इन सभी टर्म्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग थर्मोडायनामिक्स वाले लेक्चर को देख सकते हैं। इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो आपके ये तीन फॉर्मूले होते हैं, अब आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है जो वर्किंग हो रही है वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में हो रही है। तो स्टीम पॉइंट कौन सा होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो आइस पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी आपको थोड़ी सी हिंट मिल गई है, दोबारा से आपको चांस मिल रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं पाएगा, 0 डिग्री आ रहा है स्टीम पॉइंट आपका, तो वो लोग गलत हैं, इस तरीके से नहीं करना है। जैसा कि आपको बताया गया है जब भी आपको टेम्परेचर को रखना हो हमेशा केल्विन में रखेंगे, आप लोग सेल्सियस में नहीं रख सकते हो। तो जो T2 होगा वो आइस पॉइंट पर है, जैसे कि आपको पता है लिख रहा है T1 यहाँ से मिलेगा, T2 यहाँ से मिलेगा। T1 आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन अपॉन 373 केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 26.8%। मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर आपको 100 से, तब आपका आंसर आएगा 26.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एन यूडियोमीटर मीजर्स, यानी यूडियोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन नंबर ए है वेपर प्रेशर, बी है टाइम, सी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड डी है वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस।
तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम ऑफ गैसेस को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। यूडियोमीटर का यूज गैसेस का वॉल्यूम मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, द अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है एक्स एल इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर में वो जीरो होनी चाहिए। बी है कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। सी है इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। डी है एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपका एसी की यूनिट भी रह गई है जो कि अभी कुछ समय बाद कवर की जाएगी। पहले 11th के चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे, फिर उसके बाद 12th के लगातार चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी XL इक्वल टू XC को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है I इक्वल्स टू, यहाँ पर करंट की ही बात हो रही है, करंट का मैक्सिमम होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। लेकिन जब सर्किट LCR होता है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट वाला अगर आपका सर्किट होता है, तो वहां पर लगती है इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से बेसिक फंडा यही है कि रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, सही है। तो जैसे कि V अपॉन Z होता है वहां पर LCR सर्किट में, तो Z की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर। डिफरेंस से मतलब है जो बड़ा होगा उसमें से माइनस किया जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों जीरो हो जाएं तो नीचे वाली वैल्यू कम हो सकती है। तो इस तरीके से ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ही रह जाएगी, इसकी वजह से जो इम्पीडेंस होगा वो कम होगा, और इम्पीडेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन लेयर अबव अर्थ एटमॉस्फेयर विल, पृथ्वी के वायुमंडल पर ओजोन की परत क्या करती है। तो ये क्वेश्चन तो सभी का राइट होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन इस आंसर को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जिन्हें हम यूवी रेज भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, यानी जो रेक्टिफायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से हम अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनना है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसे हम आने वाले समय में जरूर कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है टू कन्वर्ट एसी इन डीसी, बी है टू कन्वर्ट डीसी इन एसी, सी है टू चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी एंड डी है टू चेंज द वोल्टेज ऑफ डीसी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी चुना है उन सभी का आंसर राइट है। तो रेक्टिफायर आप लोगों क्या काम करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ए मैन स्टैंडिंग क्लोज टू द प्लेटफॉर्म एट अ रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंस अ पुलिंग फोर्स टूवर्ड्स फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज ऑफ, यानी एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के समीप खड़ा व्यक्ति किसी कारण किसी चलती ट्रेन की ओर खिंचाव बल का अनुभव करता है। यानी अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और वहां से एक ट्रेन जाती है काफी स्पीड में, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वह कौन सी फोर्स होती है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और आप लोगों को अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से राइट थे। आई होप आप सभी को ये सैंपल पेपर समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया होगा। इसी तरीके से आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता है, वहां पर आप लोगों को चार ऑप्शन मिलते हैं जिनमें आप लोग ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक आपको छोटा सा इमेज के थ्रू आपको समझा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग पहली बार दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम उनको डरने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, बल्कि एक फायदा हो रहा है, अगर आप लोग गलती से किसी ऑप्शन को टिक कर देते हो तो आप लोग उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग लर्न वे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लर्न वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को अगली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लर्न वे कम्युनिटी के नाम से ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाइए ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू।